नवंबर में, मैं नवंबर की बात कर रही हूँ, अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ जी। 16 साल की लड़की को रेप किया गया था मुजफ्फरनगर में। 23 साल की औरत को रेप किया था मुजफ्फरनगर में। एनआरआई को रेप किया था मथुरा में। 4 साल की बच्ची को रेप करके मर्डर किया था ईथा में। 5 साल की बच्ची को रेप किया था मुजफ्फरनगर में। उसके अलावा पिछले 2 दिन में एक रेप विक्टिम को गोली मारा गया, दूसरी औरत को जलाया गया ताकि वो पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन ना करे। ये सुन के आपको बुरा नहीं लगता? आप लोगों को गाय के बारे में बहुत बुरा लगता है, लेकिन औरतों के बारे में आपको बुरा ही नहीं लगता? आप उसके बारे में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बुरा लगता है। बुरा लगता है ना? बहुत बहुत बुरा लगता है। औरतें भी इंसान होते हैं, बिल्कुल 100%। अभी औरतें बेटर स्टिल, औरतें माँ होते हैं। हमारे सारे जितने सारे आपके बजरंग दल में आदमी आए, उनके सारे माँ औरतें ही थे। बिल्कुल बिल्कुल, गाय तो बाद में आई, पहले औरत आई थी। मैं उत्तर दूं तो उसके बारे में आप लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? मैं उसका उत्तर दूं क्या? हाँ बोलिए ना। मैं बिल्कुल, ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं से बजरंग दल कभी इनकी घटनाओं का समर्थन नहीं करता, चाहे वो बलात्कार की घटना हो, चाहे हत्या की घटना हो, चाहे गो हत्या की घटना हो, कभी इसका समर्थन नहीं करता। मुजफ्फरनगर में रश्मि नाम की लड़की को पिछले वर्ष और जहर देकर मारने का प्रयास किया गया एक मुस्लिम युवक के द्वारा, धर्मांतरण करने का प्रयास किया गया था। उसको उसकी पूरी लड़ाई, उसको मेडिकल में हमारे कार्यकर्ता, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हमारे चैनल पे नहीं चलेगा, आप प्लीज दूसरे चैनल पे चले जाइए। कट दैट लाइन प्लीज फॉर मी, कट इट।